नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में, आर्टिकल के बारे में। यह है आपका राजद्रोह से संबंधित। याद रखिए, राजद्रोह से संबंधित आपके जितने भी सवाल होंगे उन सभी के जवाब इस आर्टिकल में लगभग लगभग मिल जाएंगे। ठीक है। राजद्रोह इन दिनों चार अक्षरों का यह शब्द हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। देश के बड़े राजनीतिक दल से लेकर स्थानीय स्तर के राजनीतिक संगठन तक इस विषय पर बहस कर रहे हैं। आम से लेकर खास तक हर कोई राजद्रोह शब्द की अलग अलग मायने निकाल रहा है। हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद पुलिस के द्वारा कई व्यक्तियों पर राजद्रोह कानून के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इस कड़ी में कर्नाटक के विदर स्थित एक स्कूल के प्रधानाचार्य व बच्चों के अभिभावकों पर भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार नागरिकता कानून पारित होने के बाद राजद्रोह के 194 मामले दर्ज किए गए। जब से आपका नागरिक कानून पारित हुआ है, इसके बाद से आपके जो भी ये आपके धरना प्रदर्शन हुए, तोड़फोड़ हुई, इसी मामलों में 194 मामले दर्ज किए गए। उसके बाद आंकड़े यह भी बताते हैं कि पिछले 4 वर्षों में राजद्रोह के मुकदमे की संख्या में वृद्धि हुई है, परंतु केवल 4 मामलों में ही दोष सिद्ध हो पाया है। वस्तुतः भारत में इस कानून की नींव रखने वाले देश इंग्लैंड इंग्लैंड ने भी वर्ष 2009 में अपने यहाँ राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया है। तो भारत में इसकी नींव किसने रखी थी? इंग्लैंड ने। जो लोग इस कानून के पक्ष में नहीं हैं, उनकी सबसे बड़ी दलील है कि इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है। क्या वाकई इस दलील में दम है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस आलेख में भारत की स्वतंत्रता से पहले और बाद के कुछ मामलों पर नज़र डालते हैं और इसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करते हैं हम लोग। आखिर है क्या ये राजद्रोह? देश में राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में परिभाषित किया गया है। याद रखना, देश में राजद्रोह को भारतीय दंड की धारा संहिता की धारा 124A में परिभाषित किया गया है, इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 124A में। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्यरूपण द्वारा, भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। स्पष्टीकरण 1, अपप्रीति पद के अंतर्गत अभिव्यक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। स्पष्टीकरण 2, घृणा अवमानना या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाले टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। स्पष्टीकरण 3, घृणा अवमानना या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध कारित नहीं करती हैं। भारत में राजद्रोह एक संज्ञेय अपराध है। भारत में राजद्रोह एक संज्ञेय अपराध है, अर्थात इसके तहत गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। संज्ञेय का अपराध का मतलब इसके लिए गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही इसके तहत दोनों पक्षों के मध्य आपसी सुलह का
भी कोई प्रावधान नहीं। इसके अनुसार सरकार या प्रशासन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आलोचना टिप्पणी करना अपराध नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी पृष्ठभूमि। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में राजद्रोह कानून को अधिनियमित किया गया, क्योंकि वहां के तत्कालीन कानूनविदों का मानना था कि सरकार और साम्राज्य के विरुद्ध कोई भी नकारात्मक विचार या टिप्पणी सत्ता के लिए हानिकारक हो सकती है। भारत में राजद्रोह कानून की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के वहावी आंदोलन से जुड़ी है। तो इसे याद रखना, भारत में राजद्रोह कानून की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के वहावी आंदोलन से जुड़ी हुई है। मूल रूप से यह कानून 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिक थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1860 में IPC लागू करने के दौरान इस कानून को उसमें शामिल नहीं किया गया। 1870 में सर जेम्स स्टीफन ने स्वतंत्रता सेनानियों के विचार का दमन करने के लिए एक विशिष्ट खंड की आवश्यकता महसूस हुई, तो उन्होंने भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1870 के अंतर्गत धारा 124A को IPC में शामिल किया। ब्रिटिश सरकार ने इस कानून का उपयोग कई स्वतंत्रता सेनानियों को दोषी ठहराने और उन्हें सजा देने के लिए किया। अब बात करते हैं राजद्रोह से जुड़े चर्चित जो आपके मामले उनके बारे में। महारानी बनाम जोगेंद्र चंद बोस 1891 में। सर्वप्रथम इस कानून का प्रयोग 1891 में एक अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद बोस के विरुद्ध किया, क्योंकि उन पर अपराध आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लेख लिखा था। तो याद रखना है, पहला आपका मामला था इसका राजद्रोह का, महारानी बनाम जोगेंद्र चंद बोस 1891 में। फिर महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक 1897। बाल गंगाधर तिलक पर तीन बार वर्ष 1897, 1908 और 1916 में राजद्रोह के मुकदमे चलाए थे। उन पर भारत में ब्रिटिश सरकार की अवमानना करने के आरोप लगे थे। ये आरोप उनके अखबारों में लिखे व्याख्यान और भाषणों को आधार बनाते हुए तय किए गए थे। फिर आपका महारानी बनाम मोहनदास करमचंद गांधी 1922। महात्मा गांधी पर वर्ष 1922 में यंग इंडिया नामक पत्रिका में राजनीतिक रूप से संवेदनशील लेख लिखने के कारण राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन पर आरोप लगे कि उनके लेख ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा करने वाले थे और उन्हें 6 वर्ष की कारावास की सजा भी सुनाई गई। फिर आपका केदारनाथ सिंह बिहार राज्य 1962। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962। यह मामला स्वतंत्र भारत के किसी न्यायालय में राजद्रोह का पहला मामला था। यह मामला स्वतंत्रता के बाद मिलने के बाद हमें किसी न्यायालय में राजद्रोह का पहला मुकदमा था। इस मामले में पहली बार देश में राजद्रोह के कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई और मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने देश और देश की सरकार के मध्य अंतर को भी स्पष्ट किया। बिहार में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदारनाथ सिंह पर तत्कालीन सत्ताधारी सरकार की निंदा करने और क्रांति का आह्वान करने हेतु भाषण देने का आरोप लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने केदारनाथवाद में निर्णय देते हुए कहा कि किसी नागरिक को सरकार की आलोचना करते और उसके विरुद्ध बोलने का पूरा हक है, जब तक कि वह हिंसा को बढ़ावा न दे रहा हो। फिर आया आपका बलवंत सिंह अन्य बनाम पंजाब राज्य 1984। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या वाले दिन 31 अक्टूबर 1984 को चंडीगढ़ में बलवंत सिंह नाम के एक शख्स ने अपने साथी के साथ मिलकर खालिस्तान जिंदाबाद के तथा नारे लगाए थे। इस मामले में इन दोनों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इन लोगों को राजद्रोह के तहत सजा देने से इनकार कर दिया था। उपयुक्त मामलों के अतिरिक्त असीम त्रिवेदी
अरविंद केजरीवाल, अरुण जेटली पर भी राजद्रोह के मामले दर्ज हुए, परंतु विभिन्न न्यायालयों द्वारा इन मामलों को खारिज कर दिया था। तो याद रखना, असीम त्रिवेदी, अरविंद केजरीवाल, अरुण जेटली, ठीक है? क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें डालने के लिए ये पॉइंट भी आपके जरूरी है, ठीक है? बात करते हैं राजद्रोह कानून के पक्ष में, जो लोग तर्क देते हैं या जो लोग पक्ष में हैं उनके तर्क। राजद्रोह कानून के पक्ष में बुद्धिजीवियों के एक वर्ग का मानना है कि आईपीसी की धारा 124A सरकार को राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों का मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करता है। यह लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाता है। विदित है कि कानून द्वारा स्थापित सरकार का स्थायी अस्तित्व राज्य की स्थिरता की एक अनिवार्य शर्त है। विचारकों के अनुसार यदि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडात्मक कार्रवाई सही है, तो फिर सरकार की अवमानना करने पर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आज विभिन्न राज्य माओवादी विद्रोह का सामना कर रहे हैं, इनमें निपटने के लिए यह कानून आवश्यक है। तो ये थे आपके राजद्रोह कानून के पक्ष में जो लोग तर्क देते हैं उनके। अब बात करते हैं विपक्ष में, राजद्रोह कानून के विपक्ष में तर्क। राजद्रोह कानून की आलोचना करने वाले विचारकों का मानना है कि यह गांधी दर्शन के मूल सिद्धांत असंतोष का अधिकार की अवहेलना करता है। राजद्रोह कानून अनिवार्य रूप से सरकार के लिए अलोपीय स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र विचार को दबाने का एक उपकरण है। धारा 124A औपनिवेशिक विरासत का एक अवशेष है एवं भारतीय लोकतंत्र में अनुपयुक्त है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एक जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि उसमें सरकार की आलोचना, उसके प्रति असंतोष को भी ध्यान में दिया जाए, परंतु कई बार इस कानून का गलत प्रयोग ऐसा संभव नहीं होने देता है। दरअसल धारा 124A में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी स्पष्टता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। धारा 124 में ए में स्पष्टता ना होने के कारण इस कानून के दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कानून व्यवस्था के राज्य सूची में होने के कारण इस कानून का राज्य स्तर पर गलत इस्तेमाल किए जाने के मामले ज़्यादा देखे गए। इस कानून को लागू करने वाले देश इंग्लैंड ने भी अपने देश में इस कानून को समाप्त कर दिया है, जिसके कारण हमारे पास कोई भी कारण नहीं बचता है कि हम इस बरसों पुराने उपनिवेशिक कानून के बोझ को आज भी ढोते रहें। कई बार देश में राजद्रोह कानून के अनुचित प्रयोग की बात भी सामने आई है। प्राय इसका प्रयोग सरकार की आलोचना को दबाने तथा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जाता है। बात करते हैं आगे की राय क्या होगी। वर्तमान में राजद्रोह की परिभाषा की अति व्यापक है, अतः इस परिभाषा को संकीर्ण करना आवश्यक है। इसमें केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता और देश की संप्रभुता जैसे विषय ही शामिल करने चाहिए। कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने वाली एजेंसियों को राजद्रोह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। अंत में गांधी जी के शब्दों में, कानून के जरिए तंत्र के प्रति समर्पण पैदा नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को तंत्र या सरकार के प्रति असंतोष है, तो उस व्यक्ति को असंतोष व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए, जब तक कि वह हिंसा का कारण ना बने। तो ये था आपका राजद्रोह के बारे में, ठीक है?